एवरीवन, वेलकम बैक टू रोन चैनल द फाइनेंशियल लिटरेसी। मैं हूँ आपकी दोस्त रवि। सो आज की वीडियो में नेक्स्ट वीक के लिए हमारा क्या प्लान रहने वाला है, एंड विच एंड व्हाट आर द टू स्टॉक्स और टॉप टू स्टॉक्स यू कैन से जो हम नेक्स्ट वीक के लिए और आगे आने वाले कुछ दिनों में, जिसमें हम जो ट्रेडिंग है और जो स्विंग है, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और एक काफी अच्छा अमाउंट का रिटर्न जो है वो देख सकते हैं। सो दिस वीडियो इज गोना बी वेरी शॉर्ट वीडियो। इसमें मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिखा रही हूँ, कोई जो इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी मैंने की है, क्या रिसर्च मैंने की है, वो मैं नहीं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ट्रिक्स मैं यहाँ तक पहुंची कैसे हूँ और इन स्टॉक्स तक कैसे पहुंची वो मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोज में बता चुकी हूँ, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके अपना बेसिक क्लियर कर लेना। बट इसमें हम डायरेक्टली कट टू टॉप उसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए नेक्स्ट वीक के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हो तो वहां पर जाके ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वहां पे जाके आपको काफी सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। जैसे लास्ट देखिए 28 सितंबर को अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो हमारा काफी अच्छा जो है यहाँ पर प्लान था, स्ट्रेटेजी थी, उसके अकॉर्डिंग काफी सही रिटर्न हमें मिले। कुछ स्टॉक्स मैंने दिए थे उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, ठीक है, अगर आप यहाँ पर जाके देखोगे तो। मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन थी, वो हमने सारी चीजें यहाँ पर देखी। इससे पहले भी अगर आप जैसे ये पोस्ट जाके देखते हो, इफ यू क्लिक हियर, तो यहाँ पर मैंने ऑन द 14 सितंबर एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि एक रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, एंड एक यहाँ पर एरो लगा के आई टोल्ड यू कि 3% का मूव अपसाइड डायरेक्शन में है, 53 330 अराउंड समथिंग, ठीक है, और उसके बाद हमें काफी अच्छी एक रैली देखने को मिलेगी नेक्स्ट वीक में। बट आप अभी जाके देखो तो वही सेम ये चार्ट है और यहाँ पे इस रेंज का जो है हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया, एंड अराउंड हम 3% एक्सपेक्ट कर रहे थे जो हमारा ये लेवल था 53 340 के अराउंड, ये ब्रेक हो गया एंड इवन हाई लगाया 54 के अराउंड कुछ मार्केट ने, एंड उसके बाद 4.5% का रिटर्न जो है हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो ये राइट टाइम पर जो इंडिकेशन आया, देन राइट टाइम पे कुछ लोगों ने यहाँ पर स्विंग में पोजीशन बनाई, स्विंग जो स्टॉक्स थे वो बहुत सही चले इस टाइम पर, जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स थे, एंड इस टाइम पर अगर आप सी साइड में ट्रेड कर रहे थे वो बहुत सही चले, क्योंकि मैंने सेम टाइम पे बोला था कि मोस्टली हमारा जो ट्रेड है अगर वो आप सी साइड में रखोगे दैट विल बी वेल एंड गुड, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने काफी सारी पोस्ट डाली थी, उसके बाद ये आप देखोगे जिसमें मैंने बोला था कि हर सपोर्ट पर जो है बाइंग हमें यहाँ पर करनी है, ट्रैप नहीं होना है, एंड बहुत सारी इस तरीके की जो अपडेट्स आपको मिलेंगी तो आपको समझ में आएगा कि नेक्स्ट जो डे है उसका क्या मूव रहेगा और नेक्स्ट जो वीक है उसका क्या मूव रहेगा, सेम डे मार्केट में क्या चल रहा है वो आप समझ जाओगे, ठीक है। सो अभी के लिए अब ये तो मूव आ गया, ये जो हमारा पूरा प्लान था ये सही वर्क कर गया, लेकिन अब नेक्स्ट हमारा इसमें क्या एक व्यू रहेगा और अब हमें किस तरीके से ट्रेड करना है हमें ये देखना है। सी देखो, ये जो रैली स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है अराउंड दिस लेवल से, ठीक है, यहाँ क्योंकि इस लेवल से डायरेक्ट रैली है, एंड ओवरऑल मोटा मोटा अगर आप देखोगे 7% की रैली है, क्योंकि इसके बाद इस लेवल से 50,000 से लेके 54,000 का डायरेक्ट रन है, ठीक है, 4,000 पॉइंट बैंक निफ्टी भाग है। तो नेक्स्ट वीक स्ट्रेटेजिकली और अगर आप पास्ट थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी करोगे तो या तो मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड आपको दिखेगा, ठीक है, या फिर आपको थोड़ी करेक्शन दिखेगी नेक्स्ट वीक में। तो ये है जो दो सिनेरियो जो मेजर है दिख सकते हैं। क्यों दिखेंगे? क्योंकि एक तो जो उन्होंने यहाँ पर पोजिशन बनाई है वो यहाँ पर निकलेंगे तो उनके लिए तो वो एकदम से सेल नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे हमें सेलिंग दिखेगी। अगर सेलिंग डायरेक्ट ऐसे आती है फिर हम कोई वेट करेंगे एक पैटर्न फॉर्मेशन का दोबारा ऊपर जाने के लिए मार्केट को, अदरवाइज अगर यहीं पर प्राइस अपनी जो रेंज है वो बनाता है तो रेंज बनाने दो मार्केट को, उसके बाद दोबारा से ब्रेकआउट आएगा, हम दोबारा से एक अपसाइड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे। ये हमारा पूरा ओवरऑल प्लान है। सेम टाइम पर अगर आप जाके बाकी के जो इंडेक्सेज है वो देखते हो, एंड अगर आप निफ्टी में भी देखते हो तो निफ्टी में भी हमारा सेम ही था कि एक अपसाइड डायरेक्शन में जो मूव है वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर ये सेम चीज आवर्ली टाइम फ्रेम पर जाके देखोगे सो यू विल रियलाइज कि ये वाली इंडिकेशन मैंने ऑलरेडी दिया था कि प्राइस यहाँ से अपसाइड डायरेक्शन में गया है, अभी एक रेंज बना रहा है, रेंज बनाने के बाद ये डायरेक्ट अपसाइड में जाएगा, है ना। वो सेम चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली। जो हमारा पेड ग्रुप है जो कि आप ज्वाइन भी कर सकते हो धन में अपना अकाउंट ओपन करके, लिंक धन में ज्वाइन करने का डिस्क्रिप्शन में है,
वहां से जाके आप ज्वाइन करोगे, उसके बाद मुझे मैसेज कर देना, ये पब्लिक चैनल पर जाकर पिन मैसेज में जाकर, यहाँ मेरी टेलीग्राम आईडी है, वहां से आप मुझे मैसेज कर देना, आई विल एड यू इन दिस प्राइवेट चैनल। तो यहाँ पर जो मेरी पोस्ट आती है, जैसे यहाँ पर मैंने डाला था कि बैंक निफ्टी में अब अपसाइड का डायरेक्शन है, इसके अलावा ये हमने रेंज ट्रेड की थी, नेक्स्ट ट्रेड इज ये हमने बैंक निफ्टी का सी ट्रेड किया, बहुत अच्छा रन इसमें आया था बेसिस ऑफ इनसाइड कैंडल, ठीक है। सो ये कुछ रन्स है जो हम यहाँ पर कैप्चर करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने इसमें कुछ स्टॉक्स दिए हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो वो हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन निफ्टी में हमारा क्या व्यू रहेगा, सेम निफ्टी में हमारा 25,900 समथिंग है, बट बैंक निफ्टी में अब थोड़ा सा चौपिनेस दिखेगा तो निफ्टी में भी दिखेगा। ऑलमोस्ट ये समझ लो कि निफ्टी में भी अपना हाई लगा है। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे थे तो मंडे को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, अगर आप प्रॉफिट में हो तो, और थोड़ा बैठना पोजीशन लेके, ताकि मार्केट का नेक्स्ट मूव जो है हमें वो डिसाइड हो सके और हमें इंडिकेशन मिल सके। नाउ द बेस्ट टू स्टॉक्स आर सेम, हम स्केनेक्स पे जाके ये दो स्टॉक्स का रिसर्च मैंने किया था, जिसमें हम ऑलरेडी विद अ प्रॉफिटेबल में ऑलरेडी, अगर आप मेरे ग्रुप में हो और थे तो मैंने आपको पहले ही इंडिकेशन दे दिया था इन स्टॉक्स के बारे में। अब अभी यहाँ पर यूट्यूब पे मैं डायरेक्टली बताऊंगी कि क्या एनालिसिस था मेरा उनके पीछे में। तो ये हमारा स्केनिक्स स्कैनर था जो मैंने यहाँ पर यूज करके वो स्टॉक्स निकाले थे। इसको यूज कैसे करना है, पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे है, जाके देख लो। एंड क्या हमारा 52 वीक्स हाई ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी और उनके रूल्स है, वो भी आपको मिल जाएंगे, वो जाके देख लो। तो उसमें से जो फर्स्ट स्टॉक है वो है नेस्ले। अब इससे पहले एक डिस्क्लेमर है, इसके पीछे मेरी अपनी रिसर्च है, मेरे अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं, मैं शेयर भी करती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस जो होते हैं। जैसे अभी नेस्ले में 7% इस वीक का मेरा प्रॉफिट चल रहा है और मेरी उसमें पोजिशन है नेस्ले में, मैंने अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बनाई थी। आई विल शेयर अ स्क्रीनशॉट विद यू, इससे पहले जो मेरा और भी लास्ट मंथ का क्या प्रॉफिटेबल किया, क्या हमारा सिनेरियो रहा था, वो भी मैंने शेयर कर दी थी। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे रहोगे तो आप पता चल जाएगा धीरे धीरे कि किस तरीके से जो P&L है वो चल रहा है। नाउ अब नेस्ले में अगर आप देखोगे तो नेस्ले में काफी अच्छी रेंज बनी है। जब ये वीक स्टार्ट हुआ था उससे पहले मैंने इसको बोला था, क्योंकि तब इसमें रिस्की एंट्री थी, तो आई टोल्ड यू कि डू योर एनालिसिस, क्योंकि ये इसने ब्रेकआउट अपना एक काफी अच्छा रेंज बना दिया है, ऑलमोस्ट कुछ मंथ्स का रेंज बन गया, तो हमें काफी अच्छा ब्रेकआउट इसमें दिखेगा। प्लस में ये पैटर्न बना रहा था हेड एंड शोल्डर, इस वीक हमें काफी अच्छा रिटर्न मिला। अगर आप देखोगे तो अराउंड 7% का रिटर्न अभी है मेरे पास। अगर आप अभी भी इसमें पोजीशन बनाना चाहो, क्योंकि अब इसका फुल एंड फाइनल ब्रेकआउट हो गया, वो रिस्की एंट्री थी जो यहाँ पर थी, इसका फुल एंड फाइनल ब्रेकआउट हुआ है अपने ऑल टाइम हाई पर। एंड इस टाइम पे अगर आप जाके कुछ इंडिकेटर्स यूज करोगे, एंड यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम्स लगाना चाहोगे, सेम ये धन में मैं यूज कर रही हूँ, वॉल्यूम्स लगाना चाहोगे तो आपको समझ में आएगा कि वॉल्यूम्स भी इसमें बहुत सही है, ठीक है। सो यहाँ पर जो एक ये सेलिंग पॉइंट आया था उससे काफी सही यहाँ पर वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली वाला जो है ये वाला देख रहे हो आप पोर्शन, तो इसमें दिखेंगे तो वॉल्यूम्स भी काफी सही, तो आप इसमें पोजिशन बना सकते हो अपनी। एंड इवन 2000 से लेके अराउंड 1000 तक का रिटर्न जो है और 1000 पॉइंट्स तक का मूव इसमें मुझे दिख रहा है कुछ आने वाले महीनों में। बट इफ यू वॉन्ट टू ट्रेड फॉर 10 to 15 days, तो भी हमें काफी अच्छा मोमेंटम दिख सकता है। अगेन डिस्क्लेमर इज द सेम थिंग, कैपिटल आपकी है, पोजिशन आपको बनानी है, रिस्क आपका होगा, मेरे साइड से बाय एंड सेल का कोई सिग्नल नहीं है, बट इसमें मेरा रिसर्च था तो वो आई एम टेलिंग यू डायरेक्टली, और इसमें मेरी पोजिशन भी है। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज कोचिन शिपयार्ड। बहुत ज्यादा आपकी साइड से रिक्वेस्ट आई थी कोचिन शिपयार्ड पे वीडियो चाहिए, मैंने इस स्टॉक में समवेयर इधर ही एग्जिट किया था जब इसने एक सुपर कैंडल बनाई थी, एंड उसके बाद यहाँ पर इसने एक डोजी कैंडल फॉर्म की थी। सो इट वाज द राइट टाइम टू एग्जिट फ्रॉम दिस स्टॉक, क्योंकि उस टाइम पे निफ्टी भी चौपी हो गया था एंड बहुत सारी चीजें चल रही थी। मैंने इसमें एंट्री की थी यहाँ पर जब इसने अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया था, एक इस तरीके से एन पैटर्न बना के अराउंड दिस लेवल पर मेरी एंट्री थी, एंड मैंने इसको ट्रेल किया है 2800 तक, कुछ होल्ड किया था, स्विंग ट्रेडिंग की थी। उसके बाद जैसे ही निफ्टी में वीकनेस मुझे दिखी एंड यहाँ पर डोजी कैंडल दिखी, आई एग्जिटेड फ्रॉम दिस स्टॉक और मैंने मेरी पोजीशन चेंज कर दी दूसरे स्टॉक में। ना वहां से ये स्टॉक गिर ही रहा है, और तब से मैं बोल रही हूँ कि अगर आपके पास है और आप होल्ड करो तो होल्ड करके रखो, बिकॉज फंडामेंटल दिस इज अ गुड कंपनी एंड आपको राइट डायरेक्शन भी मिलेगा एवरेज आउट करने का। एवरेज आउट करने के लिए एक हमारे पास अच्छा लेवल था 1632। जिन लोगों ने भी मुझसे डायरेक्टली बात की है टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि मैंने बताया कि ये मेरी आईडी है, बहुत सारे लोग उनसे डायरेक्टली बात करते हैं यहाँ से कि ये स्टॉक ले रहे हैं, इस पे आपका क्या व्यू है,
या कुछ आपका एनालिसिस होता है आप शेयर करते हो, उसको मैंने आपको डायरेक्टली बोलता कि ये फोल्ड करके रखो, ठीक है। अभी इसका राइट एंट्री पॉइंट भी मैंने बता दिया था आपको कि एंट्री पॉइंट इसका 1632 के अराउंड है, उसके बाद ये वापस से इसी वीक रिवर्स किया है। अगर आप देखोगे 1632 से 1846, अगर आप इसको यहीं से देखते हो, अराउंड 10% से 11% ये इसी वीक में भाग गया, जो एग्जैक्ट सपोर्ट मैंने बोलता। क्या है, क्योंकि हम इसमें कैंडल्स प्ले कर रहे हैं, तो ये जो कैंडल आपको दिख रही है ये है डोजी, शार्प डोजी कैंडल, और शार्प आप बोलोगे इसका रिवर्सल हैमर कैंडल है ये शार्प। दैट मीन्स कि यहाँ पर बायर्स है और यहाँ पर ये जो फोल है वो रुक रहा है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है डायरेक्ट रन फॉर द अपसाइड एंड एक है थोड़ा सा रुक कर और फिर रन अपसाइड, बट यहाँ से रिवर्सल पॉइंट ही दिख रहा है जब तक ये लो अब नहीं ब्रेक होता, तो इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू ट्रेड दिस स्टॉक एज वेल। तो दोनों स्टॉक मैंने बता दिए, एक नेस्ले है, एक कोचिन शिपयार्ड है, एनालिसिस भी बता दिया, एंड नेक्स्ट वीक के लिए क्या व्यू रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। डेली क्या हमारी स्ट्रेटेजी है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर, वो सबका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। आई होप दैट यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो इन ऑन ऑल योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आपके इंस्टा पर, अगर आपका पब्लिक चैनल है तो आपके व्हाट्सएप पर इसे शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा सके, और मेरा मोटिवेशन बना रहा है कि मैं वीकली आके वीडियो बनाऊं। विद दिस थैंक यू सो मच, बी प्रोफेशनल ट्रेडर एंड हैव फाइनेंशियल लिटरेसी।